गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाउ स्टार्ट न्यू टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे, अभी हमारा वही चल रहा है पॉलिनेशन वाला पार्ट, ठीक है। आज हम बैट से पॉलिनेशन करा रहे हैं फ्लावर्स के अंदर। उसके लिए टर्म्स लिए चेरोप्टेरोफेली, ठीक है। इसके थ्रू बैट क्या कर रहे हैं, बैट के लिए ये टर्म यूज की है क्योंकि बैट इसका पॉलिनेशन कर रहा है, बैट पॉलिनेशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। मेनली फ्लावर, मैं आपको फ्लावर के कुछ नाम बता रही हूँ। फ्लावर ऑफ किग्रे लव एंड पेनेटे या ड्यूरियो एंथ्रो कैफेलो कैफेलोलस, ठीक है। ये फ्लावर्स के नेम हैं। नॉर्मली बैट जो है आप सबको पता है कैसा है, नॉक्चुरल है, मतलब रात को जागने वालों में से होता है, ठीक है। तो ये फ्लावर की भी खासियत कैसे है कि ये इवनिंग में या नाइट में अपने फ्लावर्स को ओपन करते हैं, ठीक है। इन फ्लावर्स की खासियत ये लार्ज हैं और इनकी जो फ्लावर्स की लीव्स हैं वो कैसी होती है, टफ होती हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा फ्लावर की लीव्स कैसी होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, लेकिन इस फ्लावर की लीव कैसी है, टफ है। बिकॉज जब बैट ये भी बैट जो है क्यों फ्लावर के पास आता है, बिकॉज ऑफ फ्रेग्रेंस सेंट, ठीक है। नेक्टर को फीड करने के लिए बैट इन फ्लावर्स के पास आता है और उसी टाइम पर उसके पॉलन ग्रेन्स उसकी बॉडी पर क्या हो जाते हैं, स्टिकी होने की वजह से उसकी बॉडी पर स्टिक हो जाते हैं। और बैट की खासियत है कि वो बहुत दूर तक ट्रैवल करता है, अप्रॉक्स आप देखेंगे अप टू 30 किलोमीटर इतनी दूर तक ट्रैवल करके उन पॉलन ग्रेन्स को ले जाता है और वहाँ पर प्रेजेंट जो फ्लावर की स्टिग्मा होती है उनके ऊपर वो पॉलन ग्रेन्स स्टिक हो जाते हैं और इस तरह से बैट जो है क्या कर रहा है, पॉलिनेशन में हेल्प करता है। देखिए फ्लावर ऑफ किग्रेना सॉरी किग्रेला पिनेट एंड ड्यूरियो एंथ्रो कैफेलस, ये फ्लावर्स के नाम हैं। लार्ज हैं, टफ फ्लावर्स हैं, इवनिंग और नाइट टाइम पर ओपन होते हैं। बैट कैसा है, नेचुरल एनिमल है, रात को जागने वाला है। ट्रांसपोर्ट करता है लार्ज डिस्टेंस अप टू 30 किलोमीटर, ठीक है। बैट नॉर्मली फीड करने के लिए आते हैं इन फ्लावर्स के पास, नेक्टर्स एंड पोलन, ठीक है। एक फ्लावर की आपको बता दूं कि उस फ्लावर पे कितने नंबर ऑफ स्टेमेंस प्रेजेंट हैं। देखिए ये एडन सोनिया या इसको बो बैट ट्री भी बोला जाता है। नंबर ऑफ स्टेमेंस इस पे 1500 to 2000 अराउंड प्रेजेंट होते हैं, इतने स्टेमेंस वहाँ पे प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो इस टाइप से बैट क्या कर रहा है, पॉलिनेशन में हेल्प करता है। कुछ टर्म्स है कि सिर्फ यूज होती हैं क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। देखिए टर्म्स है अडेप्टेशन या कॉन्ट्रीवेंस प्रमोटिंग क्रॉस पॉलिनेशन, सिर्फ ये उन पॉलिनेशन के लिए टर्म्स है जो सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन करती हैं, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करेंगी। ऐसा क्यों है वो देखिए आप। डेकिली यूनिसेक्चुअलिटी, मतलब यहाँ पर वन सेक्स गैमिट प्रेजेंट है, मतलब एक ऐसा फ्लावर है जिसके पास ये तो मेल गैमिट है या फीमेल गैमिट है, तो नेचुरल है उस वो हमेशा एक दूसरे प्लांट में ही क्या करेगा, जैसे अगर मेल प्लांट गैमिट है तो उसके स्टेमेन एक दूसरे ही फीमेल गैमिट पर जाकर बाइंड करेंगे, इसलिए वो कैसा है, क्रॉस पॉलिनेशन ही करेगा। एक टर्म है डाइकोगैमी। डाइकोगैमी में दोनों सेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट है बट मैच्योरिटी डिफरेंट टाइम, मतलब या तो मेल फ्लावर पहले मैच्योर हो रहा है या फीमेल फ्लावर पहले मैच्योर होगा। फॉर एग्जाम्पल उसके लिए भी एक टर्म यूज की है, अगर मेल फ्लावर पहले मैच्योर होता है उसके लिए टर्म है प्रोटेंड्री, ठीक है। उसमें फर्स्ट एंथर मैच्योर, पहले एंथर मैच्योर होगा बाद में स्टिग्मा मैच्योर होगी सेम प्लांट की, सेम फ्लावर की, ठीक है, जिसकी वजह से इज नॉट एट दैट टाइम जैसे कि सनफ्लावर कॉटन एंड सेल्विया, इसलिए ये ऑलवेज क्रॉस पॉलिनेशन ही करेंगे। सेम अब ये तो मेल की थी, अब फीमेल, यहाँ पे फीमेल फर्स्ट क्या कर रही है, मैच्योर हो रही है, तो प्रोटोगाइनी, उसके लिए टर्म सीखिए प्रोटोगाइनी। तो उसमें यहाँ पे स्टिग्मा पहले मैच्योर हो रही है तो इस पर कोई मैच्योर पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पे आके बाइंड करेगा, तो ये भी क्रॉस पॉलिनेशन को ही प्रमोट कर रही है। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ वन सेक्स। खासियत है कुछ प्लांट्स की कि उसमें से मेल या फीमेल गैमेट में से कोई एक गैमेट क्या है, सप्रेस हो जाता है, या आप कह सकते हो अनफर्टाइल है या स्टराइल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। देखिए बायोसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है, एनी वन सेक्स गैमेट इज कम्प्लीटली सप्रेस्ड, या उसके लिए हम टर्म यूज कर सकते हैं स्टराइल। तो क्योंकि जब एक मतलब फॉर्मेशन ही नहीं कर सकता, फर्टिलाइजेशन ही नहीं कर सकता, तो उस पर अगर पॉलन ग्रेन्स बाइंड भी हो गए तो क्या होगा, पॉलिनेशन की प्रोसेस नहीं होगी, तो इसलिए वो भी क्रॉस पॉलिनेशन के लिए ही ऑलवेज क्या करेगा,
शो करता है। तो ये ऐसी टर्म्स हैं जो सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन को ही प्रमोट करती है, इसलिए इन टर्म्स को हमने क्या कहा है कि ये टर्म्स अडेप्टेशन या कॉन्ट्रीवेंस प्रमोटिंग क्रॉस पॉलिनेशन। कुछ टर्म और है, कंटिन्यू करेंगे टॉपिक को।